अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम चल रहे हैं धुनगेर की ओर। धुनगेर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो हम भी पहुँचे हैं पिलती में और पिलती नदी काफ़ी समीप है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस नदी की क्या खासियत है और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा भी। देखिए मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, फैमिली ट्रैकिंग पर जा रहे हैं हम सभी। यहाँ से हमने पानी भर के लिया बोतलों में जो आगे रास्ते में हमें काम आएगा और हम यहाँ से चलेंगे। अभी हम यहाँ से पहुँचेंगे पिलती। पिलती तो पहुँच चुके हैं, अभी पिलती जो होता है नदी में हम पहुँचेंगे, नदी के पास। नदी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। ये जंगल का रास्ता है बहुत, और ये बहुत खतरनाक भी है, यहाँ भालू शेर मिलते रहते हैं। तो अभी हम मिलते हैं पिलती में। तो हम पहुंच चुके हैं पिलती नदी में और आप देख सकते हो ऊपर वो जो लास्ट स्टॉप दिख रहा है, हमको वहाँ तक जाना है आज। इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ना है आज जी। दोस्तों हम अभी हैं पिलती पुल पे और इस नदी की खासियत ये है कि जितनी भी बरसात हो 12 महीने इस नदी का पानी ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। और बहुत ही जोखिम भरा ये ट्रैक होने वाला है, काफी जोखिम भरा, ये देख सकते हैं आप कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप जितना देख सकते हैं कि पहाड़ों का जीवन काफी कठिन होता है यार। आप देख सकते हो यार, पहाड़ों में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं रहता। देख सकते हो कितने पथरीले रास्ते हैं और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है इस ट्रैकिंग पे। तो बने रहिए मेरे साथ और देख सकते हो आप कैसे चल रहे हैं, जो मेरे साथी हैं मेरे को भी ऐसे चलना है। तो यार यहाँ से रास्ता जो है नहीं दिख रहा है और हमें घास के सहारे लटक के ऊपर चढ़ना होगा, तभी हम रास्ते में पहुँचेंगे। या चलते हैं तक हम शायद रास्ता भटक चुके हैं। तो यार अभी भी जो है हम रास्ते पे नहीं पहुंचे हैं और ऐसे कटीली झाड़ियों से हमें निकलना पड़ रहा है। शायद हम 10 मिनट बाद पहुंचेंगे। तो यार यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और अब मेरे को लगता है कि रास्ते पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए जंगली बकरियों की अस्थियाँ, शेर ने इसका शिकार किया है कुछ महीनों पहले। और यहाँ से रास्ता तो अभी भी टफ दिख रहा है, देख सकते हो कितना पथरीला रास्ता है और पैर मुड़ने की पूरी संभावना है। सावधानी पूर्वक जाना पड़ रहा है यहाँ से। और शायद मेरे भाइया हैं वो थक चुके हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। और आप देख सकते हो इस झरने की आवाज़ बहुत ही सुंदर है और इस ट्रैकिंग पे यार बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे फिसलनदार रास्तों पर चलना पड़ रहा है सावधानी पूर्वक। यार अभी जो है हम रास्ते पे तो पहुंच चुके हैं लेकिन घास वाला एरिया है तो चलने में परेशानी हो रही, रास्ता अच्छे से दिख नहीं। तो अभी हम पहले से बेटर रास्ते पे पहुंच चुके हैं। यहाँ इतना आसान तो नहीं है ऐसे चलना, बट इतना कठिन भी नहीं है ऐसे चलना, ऐसे ट्रैक करना। ये काफ़ी जोखिम भरा हुआ ट्रैक है और अभी तो बहुत चलना है। आप देख सकते हैं मेरा हालत ख़राब हो गई है बस इतने चलने पर ही। अभी तो ये आधे का आधा भी नहीं चला है हमने, तो अभी बहुत चलना बाकी है। और
एक घास वाला एरिया है, यहाँ रास्ता भी अच्छे से नहीं दिख रहा, ऐसे ही जाना पड़ा अनुमान लगा के। और जो हमारे गाइड हैं मेरे बड़े भैया, वो तो काफ़ी आगे निकल गए, और हमें भी बड़ी तेज़ी से चलना होगा, नहीं तो हम रास्ता भटक जाएंगे। रास्ता हमें पता नहीं है तो हम भटक भी सकते हैं, तो चलना है। ऊपर से जो पिंकी नदी है ना, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, और आप देख सकते हो ऊपर झरना है, ये देखने में काफ़ी सुंदर है। तो यार ये जहाँ पे धूप निकला हुआ है ना, ये है खलिया टॉप मुनस्यारी, और ये ऊपर टॉप तक हमें चढ़ना है आज। अभी हमने इतनी चढ़ाई चढ़नी है, जो ऊपर टॉप दिख रहा यहाँ जाना है। तो ट्रैकिंग का पार्ट वन यहीं पे ख़त्म होता है, और पार्ट टू का वेट करिए। और पार्ट टू में जो व्यू दिख रहा है ना, ये काफ़ी सुंदर है, और ट्रैकिंग पे जितनी भी कठिनाइयाँ हुई ना, वो मैं दिखाऊंगा पार्ट टू में, और बहुत ही जल्द लेके आऊँगा मैं ट्रैकिंग का पार्ट टू। जय हिंद दोस्तों।